Hello student, welcome back to our channel. Today our topic will be noun. Noun, everything around us has a name. And these naming words are noun. Noun are the names of persons, places, animals and things. ठीक है, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नाउन, देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस, वी आइडेंटिफाई विद सर्टेन नेम्स, दीज आर नेम्स ऑफ द पर्सन्स. कोई भी लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनको हम पर्सन के नाम से जानते हैं, जैसे राम, सीता, गीता, पूजा, राजेश. अब हम इस फोटो में देख सकते हैं ये भी नाउन है, ये क्रिकेटर है, ड्राइवर, डॉक्टर, इंजीनियर. क्वेश्चन, वेयर डू वी गो टू स्टडी. क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डू वी गो टू स्टडी. आंसर बोलेंगे, यस, यू गो टू स्कूल टू स्टडी. कहाँ जाते हैं? स्कूल. तो स्कूल क्या हुआ? प्लेस. स्कूल इज नेमिंग वर्ड फॉर अ प्लेस. वी कैन नेम फ्यू मोर प्लेसेस सच एज. कुछ और प्लेसेस के एग्जाम्पल देंगे हम, जू, स्कूल, हॉस्पिटल, हाउस, मार्केट, प्लेग्राउंड. नाउ लेट्स नेम अ फ्यू बर्ड्स एंड एनिमल दैट वी हैव सीन अराउंड अस. एग्जाम्पल, डॉग, कैट, हॉर्स, गोट, काउ, एक्स्ट्रा. व्हाट आर यू सिटिंग ऑन? आप किस में बैठे हुए हो? आर यू सिटिंग ऑन बेंच? बेंच, बेंच इज अ नेमिंग वर्ड used for a thing. तो अभी हमने पढ़ा था noun is the name of person, place, animal. अब हम things के बारे में पढ़ रहे हैं. What other things do we see around? हमारे सामने कौन कौन सी चीजें हम देख सकते हैं? आप अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो जितने भी आप चीजें देख रहे हो, that is things. आप एक पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं एक्टिविटी के रूप में. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, टेबल, बुक, चेयर, एक्स्ट्रा. अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, प्रकार नाउन के. नाउन के फाइव टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन, सो जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉमन नेम. जनरल जो नाम होगा किसी भी का, पर्सन का, एनिमल का, थिंग का, उसको कहा जाएगा कॉमन नाउन. जैसे ही इज अ टीचर, जनरल नेम फॉर द पर्सन. किसी इंसान के लिए हम टीचर यूज कर रहे हैं कि वो क्या है? टीचर है. तो टीचर क्या वर्ड है? कॉमन नाउन. अगर हम बोलते ही इज रवि, तो रवि तो प्रॉपर नाउन हो जाता, नाम होता. अब टीचर है, टीचर के अंदर बहुत टाइप के टीचर आ सकते हैं, केमिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर. इसलिए ये जो टीचर है जनरल नेम है. ओके, दे लिव इन अ सिटी, जनरल नेम फॉर द प्लेस. एक जनरल नाम किसी जगह को हम कहते हैं, वो प्लेस हुआ सिटी. इट इज हिज डॉग, जनरल नेम फॉर द एनिमल. ओके, दिस इज केक, जनरल नेम फॉर द थिंग. तो केक क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ. यहाँ पे डॉग कॉमन नाउन हुआ क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. ठीक है, कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ टाइटल. वो कैपिटल लेटर्स में नहीं आएंगे जब तक वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आए. ओके, या फिर किसी टाइटल पार्ट ना हो टाइटल का. स्पेशल नेम्स प्रॉपर नाउन, People's, places, pets, day, month, organization, extra. ये special name होते हैं, proper noun. किसको कहा गया है? They live in Delhi. Proper बताया है, Delhi में रहते हैं. बहुत सारे Delhi नहीं है. His dog name is Jackie. उसके doggy का नाम Jackie है. Proper noun है. Okay. Dog common noun है. Okay. All proper noun begins with capital letter. हमेशा ये याद रखना, जो प्रॉपर नाउन होगा दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर्स. स्पेशल नेम गिवन टू कंट्री, सिटी, रोड, रिवर, माउंटेन, मॉन्यूमेंट, फेस्टिवल, एक्स्ट्रा आर प्रॉपर नाउन.
My uncle lives in India. The Red Fort is situated in New Delhi. Proper noun hai. My school, school common noun hai, is on Mahatma Gandhi Road. This is proper noun. Collective noun, gucche mein, group mein. Collective noun is a word used to name a group of people, animals or things. किसी भी लोगों का, जानवरों का या चीजों के ग्रुप को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ काउ, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, अ बंच ऑफ चीज. मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम सम मैटर और सब्स्ट्रैक्ट ऑफ विच द थिंग्स आर मेड. एग्जाम्पल, cotton, iron, salt, rubber, sugar, paper, oil, leather, clay. ये सब example है किसकी, material noun की. ठीक है, ये कोई भी matter हो सकता है या फिर subtract हो सकता है किसी भी चीज का. अब abstract noun. Some noun are those which we cannot touch or see, जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, but can understand or feel them. These are quality, an action, a feeling or an idea. Such noun are called abstract noun. Abstract noun जिसको आप देख नहीं सकते हो, touch नहीं कर सकते हो. Example, kindness. कोई दयालु है तो आप उसको नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते हो. Bravery, honesty, softness, truth, wisdom, anger, sadness, beauty, extra. Thank you for watching this video. Hope you like. Till then, bye-bye.